हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन चैप्टर एनसीईआरटी क्लास 11 का बारे में पढ़ेंगे और आज हम उसका एक क्वेश्चंस जो हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, इसका स्टेप नंबर वन जो होता है कि आपने जो स्टेटमेंट दी गई है आप उसको एन की टर्म में पी एन बना के लिख देते हैं, यानी कि जो भी दी गई स्टेटमेंट उसको पी एन के इक्वल लिख देंगे। अब स्टेप टू में आप जो है पी वन के लिए उसे वेरीफाई करेंगे, यानी कि जो आर एच एस होगा उसमें वन रख के आप देखेंगे कि वो फर्स्ट टर्म के इक्वल आता है कि नहीं। स्टेप थ्री में जो है आप एज्यूम कर लेंगे एन की जगह के रख के कि पी के लिए ये ट्रू है, और स्टेप फोर में आप उसको पी के प्लस वन के की जगह के प्लस वन के लिए ट्रू करेंगे, यानी प्रूव करेंगे कि ये ट्रू है। और फिर जो है फर्स्ट स्टेप टू और स्टेप फोर के से मतलब वन पी वन के लिए प्रूव करके और पी के प्लस वन के लिए प्रूव करके बताएंगे कि ये बिल्कुल ठीक है, हर एन के लिए ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखिए, देखिए प्रूविंग दैट द यूजिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पर ये है कि वन प्लस थ्री प्लस थ्री स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस थ्री रेस पावर एन माइनस वन इक्वल टू थ्री रेस पावर एन माइनस वन अपॉन में टू। तो यहाँ स्टेप वन जो आपके पास होगा कि आपको ये जो स्टेटमेंट दी गई है वन प्लस थ्री प्लस थ्री स्क्वायर स्ट्रक्चर वाली, इसको आपने पी एन के इक्वल मान लेना है और सारी की सारी जो है इसको स्टेटमेंट को दोबारा से लिख देना है एल एच एस और आर एच समेत। तो इससे ये हो जाएगा कि आपकी ये टर्म जो है स्टेटमेंट जो है पी एन के इक्वल है, ताकि आपको आगे पी वन पी के और पी के प्लस वन लिखने में कोई परेशानी ना हो कि आप किसको इंडिकेट कर रहे हैं। अब स्टेप टू में जैसे कि हमने पहले देखा है एल्गोरिथम में कि आपको स्टेप टू में इसको पी वन के लिए प्रूव करना है कि ये ट्रू है। तो इसमें जो है आप जो है आपको जो दे रखा है पी वन के लिए जो आप अगर इसको प्रूव करेंगे तो आपको जो देखिए एल एच एस में फर्स्ट टर्म जो है वो वन है और आर एच एस में जो टर्म है वो है सम एन का दे रखा वो थ्री की पावर एन माइनस वन अपॉन में टू है। तो इसमें एन इज इक्वल टू वन रखेंगे तो हम देखते हैं कि क्या ये वन के इक्वल आता है। अगर ये वन के इक्वल आएगा यानी कि फर्स्ट टर्म के इक्वल आएगा तो इसका मतलब ये पी वन के लिए ट्रू है। तो थ्री की पावर एन की जगह वन रख दिया तो यहाँ पर देखिए थ्री माइनस वन अपॉन में टू यानी कि टू अपॉन में टू इक्वल टू वन हो जाएगा, जो कि फर्स्ट टर्म के इक्वल है। इसका मतलब पी वन के लिए ये ट्रू है। तो इस तरह से हमारा स्टेप टू जो है वो कंप्लीट हो जाता है। और अब जो है हमारे को कि हमने जो है क्योंकि आर एच एस के को पी वन के जो है लेफ्ट टर्म एल एच एस के फर्स्ट टर्म के लिए प्रूव कर दिया, तो अब हम इसको एज्यूम करेंगे कि ये जो है पी के जो है उसके लिए भी ट्रू है। तो उसके लिए हमारे को सिर्फ क्या करना है कि जहाँ जहाँ स्टेप वन में के एन लिखा हुआ है उसको के से रिप्लेस कर देना है और कुछ नहीं करना है, सिर्फ एन को के से रिप्लेस कर देना है। तो पी और ब्रैकेट में एन की जगह के लिख देंगे और लास्ट में जो है देखिए एल एच एस में थ्री रेस पावर एन माइनस वन है उसको के माइनस वन लिख देना है, और आर एच एस में जो थ्री रेस पावर एन है उसको थ्री रेस पावर के कर देना है, यानी कि जहाँ जहाँ भी एन है वहाँ पर आप के लिख देंगे, बाकी की स्टेटमेंट्स में कहीं भी कोई चेंज करने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। तो n माइनस वन की जगह k माइनस वन हो गया और राइट हैंड साइड में n की जगह आपने k रख दिया, बाकी कोई चेंज नहीं करना है। अब ये आपने एज्यूम करा है तो आप इसको जो है आप स्टेप फोर पे आ जाएंगे। तो स्टेप फोर में आप ये पी के प्लस वन के लिए इसको ट्रू करना है आपको। तो आपको इसमें प्रूव करना है कि ये जो है आप स्टेटमेंट जो आपने एज्यूम की थी ये जो है पी के प्लस वन के लिए करेक्ट है, यानी कि बिल्कुल ट्रू है। तो उसके लिए जो है आपको इस स्टेटमेंट को रिराइट करना पड़ेगा, दोबारा से पी के प्लस वन लिखना पड़ेगा, क्योंकि पी के तक हमने इसको लिखा है, kth टर्म तक इसको लिखा गया है। तो k प्लस वन जो है एक टर्म एक्स्ट्रा होगी और वो एक एक्स्ट्रा टर्म जो है आपको स्टेप थ्री वाली स्टेटमेंट में और ऐड करनी है। तो आपको जो है इसको थ्री रेस पावर के माइनस वन
के आगे एक स्टेप और लिखना है और के की जगह आपको के प्लस वन लिख देना है, और तो ये हो जाएगा के प्लस वन माइनस वन, जो कि वन से वन कैंसिल होने पर ये थ्री के इक्वल ही रह जाएगा। तो इस तरह से आपकी स्टेटमेंट का लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा वन प्लस थ्री प्लस थ्री स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस में थ्री रेस पावर के माइनस वन प्लस थ्री के, और ये जो है आपका जो है क्योंकि वन से वन माइनस वन से प्लस का वन कैंसिल हो गया। अच्छा, अब आप ये देखिए कि जो इसके लास्ट वाली टर्म थ्री रेस पावर के को छोड़ के बाकी वाला जो रिमेनिंग पार्ट है स्टेटमेंट का, वो थ्री रेस पावर के माइनस वन अपॉन में टू, जैसा कि स्टेप थ्री में सर्किल में मैंने दिखाया है, उसके इक्वल है। तो इसकी जगह आप ये रख देंगे और थ्री के थ्री की पावर के को प्लस में करके यहाँ लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर आपने 2 एलसीएम लेना है, तो ये हो जाएगा 3 रेस पावर के माइनस 1 प्लस में, अब 2 से मल्टीप्लाई होने पर ये हो गया 2 इंटू 3 पावर के। अब देखिए पहले वाला जो 3k है उसको आप 1 इंटू 3 रेस पावर के लिख सकते हैं, और इसको वन और टू लास्ट फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम क्या हो जाएगा, थ्री इंटू थ्री रेस पावर के माइनस वन अपॉन में टू, ये आपका हो गया। तो अब क्योंकि थ्री बेस इक्वल है और थ्री की पावर वन है, तो आप दूसरे थ्री की पावर के है तो ये कंबाइंड करके, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो जो पावर्स जो हैं वो एंड ऐड हो जाएंगी, तो 3 की पावर के प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जहाँ स्टेप 3 में k था वहाँ पर k की जगह किसने ले ली, k प्लस 1 ने। इसका मतलब जो रिजल्ट है वो k प्लस 1 के लिए ट्रू हो गया, जो कि आपको करना भी था। तो RHS आपका आ गया 3 k की पावर k प्लस 1 माइनस 3 के प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में 2, जो कि आप उनको जैसे मैंने पहले बताया कि स्टेप 3 का में 3 जो है जो RHS है उसमें k के रिप्लेस करने पर k प्लस 1 से भी यही आता है। इसका मतलब ये जो है p k प्लस 1 के लिए ट्रू हो गया। अब स्टेप 5 में आपको जो है हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, क्योंकि ये P1 के लिए भी ठीक है और PK के लिए हमने एज्यूम किया था, तो और वो PK प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। तो हमारे हिसाब से ये मैथमेटिकल इंडक्शन के फार्मूले से ये जो है n के हर वैल्यू के लिए ये करेक्ट है, इसको आप जो है ये मान सकते हैं कि हैंस Pn इज ट्रू फॉर ऑल n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसका अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मेरे चैनल द मैथ गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।